लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायनोफ्लेजलेट्स को रिप्रेजेंट किया था, ओके, पायरोफाइटा क्लास, इसमें कंप्लीट हो गया था रिप्रोडक्शन तक। नाउ नंबर थ्री, यूग्लिनोफाइटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सबको? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटीज इज युग्लिनोफाइटा। सोल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, सोल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर युग्लिना। ओके, तो इस युग्लिनोफाइटा ग्रुप के जो मेंबर्स है वो है ओनली युग्लिना। युग्लिना की स्पीसीज युग्लिना वेरिडिस, जनरली हम ज्यादा पढ़ते हैं युग्लिना की डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर। प्रेजेंट युग्लिनोफाइटा के मेंबर्स को हम युग्लिनाइड्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज युग्लिनाइड्स। ओके, युग्लिनाइड्स भी इसको, युग्लिनोफाइटा फाइट्स को हम युग्लिनाइड्स भी कह सकते हैं, और इनके सोल मेंबर्स है युग्लिना। जैसे किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स थे बैक्टीरिया, और फिर हमने उन बैक्टीरिया को आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्लासिफाई किया था। ओके, उसी तरह से यहां पर युग्लिना सोल मेंबर्स है और युग्लिना की डिफरेंट स्पीसीज है। युग्लिना के कैरेक्टर्स, युग्लिना का सबसे पहले हैबिटेट कहाँ मिलता है बेटा? युग्लिना आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, युग्लिना भी एक्वेटिक है लेकिन ये स्टेग्नेंट वाटर बॉडीज में मिलता है, जहां पर पानी रुका हुआ हो, जैसे पॉन्ड, लेक वगैरह, जहां पर पानी रुका है, डैम, वहां पर हैबिटेट होता है इसका स्टेग्नेंट वाटर बॉडीज। रुके हुए पानी में, ये ठहरे हुए पानी में ग्रो होता है। ओके, रिवर वगैरह में नहीं ग्रो करता है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट, इसके न्यूट्रिशन के बेसिस पर इसको मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन फूड लेवल है उसके बेसिस पर हम इसको मिक्सोट्रॉफिक मिक्सोट्रॉफिक का मीनिंग कोई बताएगा? मिक्स टाइप का फूड लेवल है, इट मींस इसका मिक्स, मिक्सोट्रॉफिक मतलब मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ये अलग अलग कंडीशन में। तो अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म हमको अभी तक मिला है जो ऑटोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकता है, हेटरोट्रॉफ। अभी तक हमने कोई ऐसा एग्जांपल नहीं पढ़ा जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। हमने बैक्टीरिया में कहा था कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं। मतलब ग्रुप बोला उसके अलग अलग मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल बैक्टीरियम, वो आइदर ऑटोट्रॉफ है और हेटरोट्रॉफ है। ओके, दोनों कोई भी मेंबर हमने नहीं पढ़ा ऐसा, एक सिंगल मेंबर कि जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। तो पहली बार हम ऐसा मेंबर पढ़ रहे हैं
यूग्लिना जो मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, इट मींस मिक्स मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है. ओके, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ कब होता है? ऑटोट्रॉफ तो कौन सा ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ है या कीमो ऑटोट्रॉफ? हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि हमने कहा था कीमो ऑटोट्रॉफ ओनली बैक्टीरिया में मिलते हैं, बाकी किसी में नहीं मिले हैं कीमो ऑटोट्रॉफ. तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी ऑटोट्रॉफ है, प्लांट, प्रोटीज, ये सब फोटो ऑटोट्रॉफ है. कुछ बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ है. तो इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ तब होता है जब सनलाइट अवेलेबल होती है. When sunlight is available for Euglena, तो Euglena फिर उसको अब्सॉर्ब करेगा और उस कंडीशन में यूग्लिना बिहेव करेगा फोटो ऑटोट्रॉफ की तरह, बिहेव बाय फोटो ऑटोट्रॉफ, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को अब्सॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस करता है. क्लियर? बट When sunlight is not available. अब sunlight कब कब अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको पता है कि sunlight पूरे टाइम पर थोड़ी अवेलेबल होती है पर केक पार्ट में. ओके, तो जैसे हमारे इसमें भी, तो हम अभी अभी के टाइम पर sunlight अवेलेबल है, इवनिंग में sunlight नहीं होगी अवेलेबल, नाइट में नहीं होगी अवेलेबल. तो उस टाइम पर अगर इसको अगर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, या फिर जिस स्टेग्नेंट वाटर बॉडी में यूग्लिना रहता है, उस स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में अगर ऊपर अगर सरफेस पर अगर कोई कचरा पड़ा है, ठीक है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है एक तरह से, हम अगर बोले कि वहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, लाइट की वेवलेंथ पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी वाटर में से, तो यूग्लिना को वहां पर लाइट नहीं मिल पाएगी, सनलाइट नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी अगर वो, ओके, या फिर जब सनलाइट ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में व्हेन सनलाइट नॉट अवेलेबल और इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, Euglena behaves like heterotroph. The Euglena behaves like heterotroph. कैसे heterotroph में भी अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े हैं. heterotroph में क्या करेगा ये? तो heterotroph में predator बनेगा. As predator, तो predator क्या करता है? Which feeds on prey. अब ये तो खुद unicellular है, Euglena single cell वाला है, तो इसका prey कोई बड़ा multicellular तो होगा नहीं. तो अगर ये unicellular है, it's a Euglena, तो इसका prey इसके बराबर या इससे छोटा होगा, या फिर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिकेड पार्ट होगा. ओके, तो ये स्मॉल एनिमोलिक्यूल्स या स्मॉल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स पर ग्रो करते हैं, फीड करते हैं. ओके, और तब ये हेटरोट्रॉफ होता है. इसमें दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं,
मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्क्रीनशॉट ले सकते बेटा आप लोग, कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी एंटर कर रहे हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। हेलो, गुड। फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है मतलब सनलाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, और जब ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा इसके पास में कोई ऐसे क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स होना चाहिए। यूग्लिना में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों मिलते हैं जिसके कारण ये लाइट को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर पाता है क्लोरोफिल पिगमेंट होने से। Euglena possesses chlorophyll A as well as chlorophyll B pigments. Chlorophyll A, chlorophyll B, and beta carotene pigment. और इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल प्लांट के जैसा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जैसे यूग्लिना को हम अगर ड्रॉ करें, यूग्लिना की बॉडी ऐसे टेपर डाउन होती है नीचे की तरफ, ऑक्युलम वगैरह होता है, और फ्लैजेला पढ़ेंगे हम फ्लैजेला के बारे में। उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। तो यूग्लिना की बॉडी में ग्रीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स। ओके, तो इसमें थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। ओके, तो यूग्लिना have thylakoid membranes जो उसके प्लांट लाइक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये कैरेक्टर हो जाएगा प्लांट लाइक, उसमें thylakoid membrane मिल रही है क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर thylakoid membranes, और thylakoid membrane के स्टैक्स को हम ग्रेना कहते हैं, और इसी थायरॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते हैं। यहां पर भी थायरॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया। बट इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट। तो सेल वॉल अब्सेंट होना ये कौन किस ऑर्गेनिज्म के जैसा कैरेक्टर हो गया बेटा? बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट, एनिमल, किसके जैसा हो गया? एनिमल। एनिमलिया मतलब एनिमल्स के जैसा। ओके, एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये हो गया एनिमल लाइक कैरेक्टर। ओके,
तो इसका मतलब है कि ये कुछ फीचर्स प्लांट के दिखाता है और कुछ फीचर्स एनिमल्स के दिखाता है, और इसीलिए हम इसको प्लांट लाइक एनिमल और एनिमल लाइक प्लांट, प्लांट लाइक एनिमल और एनिमल लाइक प्लांट, एनिमल लाइक प्लांट, ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यूक्लिना प्लांट लाइक एनिमल और एनिमल लाइक प्लांट है, इट मींस इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक हम यूक्लिना को कंसिडर करते हैं। ओके, अब अगर इसमें सेल वॉल नहीं है तो फिर इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, सेल वॉल ऑब्सेंट है बट एक एक्स्ट्रा प्रोटीन से, प्रोटीन की कवरिंग है जो इसको स्पाइरली अरेंज कर, यहाँ पर स्पाइरली प्रेजेंट रहती है इसके, यहाँ पर कवर करेगी इसको। बॉडी को स्पाइरली कवर करके रखती है मेम्ब्रेन, पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी को स्पाइरली कवर करके रखेगी, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेलिकल, प्रोटीन से बनती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेलिकल। Instead of cell wall, there is a proteinaceous membrane, protein se bani hui, isliye proteinaceous. There is a proteinaceous membrane called pellicle. Which protects Yuglina body of an Yuglina. Okay, the Yuglina ki body ko wahan par protect karega pellicle covering. Theek hai? तो सेल वॉल की जगह पर पेलिकल का मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा जो प्रोटीनेशियस है, इसको कवर करके रखेगा। क्लियर है बेटा? इसमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें बाइनरी फिशन भी होता है। यूक्लिना reproduce through longitudinal binary fission. Okay, sexual reproduction bhi hota hai isme, gamete formation and zygote banna, but ye longitudinal बाइनरी फिशन फॉलो करता है। जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, अमीबा में हम बोलते हैं कि अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन भी हो सकता है या मल्टीपल फिशन भी हो सकता है, यूक्लिना में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। ओके, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसमें फ्लैजेला है दो,
टू फ्लैजेला यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ये जो दोनों फ्लैजेला मिल रहे हैं उसमें से एक स्मॉल है और एक वेरी लार्ज है, ठीक है, इसलिए हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर दोनों सेम होते तो आइसोकॉन फ्लैजेलेशन लिखते हैं, आइसो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन, ओके, हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन यहां पर होगा, दोनों फ्लैजेला अलग अलग साइज शेप के हैं। एक चीज आपको और दिख रही होगी कि जो लार्ज फ्लैजेलम है उसके एंड पर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, आउटग्रोथ है कुछ, ओके, शार्प, ये होती है प्रे को कैप्चर करने के लिए। तो जब वो प्रेडेटर की तरह वर्क करता है, ओके, जब उसको सनलाइट नहीं मिलती युग्लिना को, और जब वो प्रेडेटर की तरह फंक्शन करेगा तब ये प्रे को कैप्चर करने के काम आते हैं, ठीक है, नीडोब्लास्ट इनको बोलते हैं, जो प्रे को कैप्चर करते हैं और उसको फिर ओपरकुलम माउथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है बेटा। ये युग्लिना कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, हेलो, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा? यस सर। ओके, युग्लिना समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट है फिर। ये तो तीनों क्लासेस हो गई फोटोसिंथेटिक प्रोटीज की। पहले हमने पढ़ा था क्राइसोफाइटा डायटम डायनोफ्लेजलेट्स को, फिर हमने पढ़ा पायरोफाइटा डायनोफ्लेजलेट्स के लिए, और हमने फिर थर्ड पढ़ा अभी युग्लिनोफाइटा युग्लिना के लिए। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटीज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेकंड है स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, तो स्लाइम मोल्ड बहुत ही सिंपल ब्रीफ में पढ़ना है आपको। नंबर टू स्लाइम मोल्ड्स, फर्स्ट थे फोटोसिंथेटिक प्रोटीज जिसके अंदर में आपने तीन कैटेगरीज पढ़ी, तीन क्लासेस पढ़ी, क्राइसोफाइटा पायरोफाइटा और युग्लिनोफाइटा। अब नंबर टू स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम, स्लाइम का मतलब होता है म्यूसिलेजिनस और चिपचिपा, ओके, मतलब स्लाइम मतलब हो जाएगा म्यूसिलेजिनस
towards the brain. मोल्ड, मोल्ड का मतलब कौन बताएगा? मोल्ड, MOULD, मोल्ड. आपने ब्रेड मोल्ड नाम सुना है? ब्रेड को खराब करने वाला फंगस, ब्रेड मोल्ड. ओके, चलो एटलीस्ट दो लोगों ने तो सुना है. कोई नाम बता सकता है ब्रेड मोल्ड का? कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन है? ब्रेड को खराब करने वाला फंगस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक कॉमन है, कॉमन ब्रेड मोल्ड, जिसको नाम ही देते हैं हम ब्रेड मोल्ड. बता सकता है कोई? राइजोपस नाम सुना है आप लोगों ने? राइजोपस. Yes, sir. Okay, चलो, at least one or two students heard about rhizopus कुछ है. तो rhizopus common bread mold होता है. ये information लिख रहा हूँ, fungus के time पर आपको काम आएगी. rhizopus fungus है. Okay, मैं यहाँ पर बस information देने के लिए बता रहा हूँ. fungus है और इसको हम बोलते common bread mold. common bread mold. ये जो मोल्ड टर्म आती है ये रिप्रेजेंट करती है कि फंगस या फंगस लाइक कोई कॉलोनी वहां पर ग्रो करती है. मोल्ड मतलब फंगस की ग्रोथ के बारे में वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोल्ड. ओके, तो यहां पर हम बोल रहे हैं स्लाइम मोल्ड, मतलब ये भी कुछ फंगस या फंगस की जैसी कॉलोनी जैसे कोई स्ट्रक्चर होंगे. ओके, मोल्ड मतलब फंगस लाइक कॉलोनी वहां पर, इसीलिए स्लाइम मोल्ड्स को हम बोलते हैं कि ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, फंगस के जैसे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. ओके, फंगस के जैसे प्रोटिस्ट, क्लियर? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट तो क्या क्या, किस किस बेसिस पर फंजाई लाइक होते हैं? लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, तो हमको मिलेगा कहां हैबिटेट. तो स्लाइम मोल्ड्स आपको मिलेंगे जहां पर हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट. साथ में जहां पर शेडी और मार्शी प्लेसेस है, शेड है वहां पर कुछ ना कुछ, उनको शेड के नीचे ही वहां पर कुछ मॉइस्चर वहां पर अवेलेबल रह सकता है. तो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी है. ओके, मॉइस्चर भी एनवायरनमेंट में कुछ अवेलेबल है टेम्परेचर के साथ में. तो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट एंड शेडी प्लेसेस यहाँ पर यूजुअली मिल सकता है. लेकिन फिर क्या ये किसी ह्यूमन बीइंग से के साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं क्या? तो एनिमल्स के साथ में ये रेयरली मिलते हैं. ओके, तो स्लाइम मोल्ड्स एनिमल्स के साथ में रेयरली मिलेंगे आपको, मतलब यूजुअली ये प्लांट के साथ में एसोसिएट होते हैं. ओके, यूजुअली ये प्लांट के साथ में एसोसिएट होते हैं और इसीलिए न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं इनका तो ये मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं. तो जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था बेटा तो हमने कहा था बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ में डीकम्पोजर्स होते हैं और डीकम्पोजर्स मतलब सेप्रोबायोटिक. और सेप्रोबायोटिक में दो कैटेगरी पड़ी थी, सेप्रोफाइटिक एंड सेप्रोजोइक. जू मतलब एनिमल. ओके, तो सेप्रोजोइक का मतलब है कि वो एनिमल लाइक है, सॉरी सेप्रोजोइक का मतलब है कि वो एनिमल प्रोडक्ट पर या एनिमल के डीके मटेरियल पर या एनिमल के रिमेंस पर फीड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको सेप्रोजोइक. वाइल जो प्लांट से रिलेटेड रहेंगे, प्लांट मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, प्लांट के डिटेच पार्ट को डिकम्पोज करेंगे,
उनको हम बोलते हैं, या रॉटन फूड मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। ओके, फाइटा मतलब प्लांट से रिलेटेड। तो सेप्रोफाइटिक मतलब ऐसे सेप्रोप्स, ऐसे डिकम्पोजर्स जो प्लांट मटेरियल को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, तो सेप्रोफाइटिक है मतलब ये प्लांट मटेरियल को ही मेनली अफेक्ट करते हैं, रेयरली किसी एनिमल के साथ में आपको दिखेंगे। तो ये जनरली क्या होता है कि किसी प्लांट की ट्विग वगैरह के साथ में, वहां पर डिटेच ट्विग है कोई या कोई ब्रांच है उसके साथ में ये वहां पर आपको मिल सकते हैं। कौन बताएगा बेटा ब्रांच और ट्विग में क्या डिफरेंस है, या ब्रांच और ट्विग किस तरह से बता सकते हो आप लोग, एक्सप्लेन कर सकते हो? पर ब्रांच एक लंबा तना होता है और ट्विग मतलब छोटी छोटी लकड़ियां होती है। नहीं ना बेटा, ब्रांच वहां पर, ब्रांच जो है वो छोटा भी हो सकता है वहां पर, स्टेम, स्टेम का एक्सियल पार्ट, और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। स्टेम का एक्सियल पार्ट को हम ब्रांच बोलते हैं कि वो ब्रांचिंग निकल रही है, फिर वो बड़ी हो लंबी हो उससे कोई मतलब नहीं, ब्रांच तो ब्रांच ही है। ट्विग कब कहेंगे? ट्विग सर वो ब्रांचेस के ऊपर आती है? नहीं बेटा, वो एक टाइप की ब्रांच ही होती है, लेकिन सभी ब्रांचेस ट्विग नहीं होती। तो ट्विग क्या होती है, कब कहेंगे हम किसी ब्रांच को ट्विग? सर टूटी हुई और सूखी हुई? नहीं बेटा, कोई और गेस करेगा? ट्विग किसको कहोगे आप, ट्विग? ब्रांच को ही ट्विग हम कह सकते हैं, लेकिन सभी ब्रांचेस ट्विग नहीं होती। तो ट्विग कब कह सकते किसी ब्रांच को, ध्यान दो। ऐसी ब्रांच जिसमें बर्ड या फिर फ्लावर आएगा। ओके, ऐसी ब्रांच जिसमें कोई बर्ड या फ्लावर आएगा उसको हम ट्विग कहते हैं। ओके, तो ये ट्विग पर भी या किसी ब्रांचेस के सहारे भी ये वहां पर ग्रो कर सकते हैं। कोई टूटी हुई ट्विग है मतलब उसके, उस ब्रांच के पास में बर्ड या फिर फ्लावर है। इनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्लाइम मोल्ड्स का। ये हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, शेडी प्लेसेस पर, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट होगा तभी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, मतलब जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब अभी फेवरेबल कंडीशन ही चल रही है लेकिन फेवरेबल कंडीशन खत्म होने वाली है, ऐसा सिग्नल मिल गया उसको कि बस अब कुछ ही दिनों के बाद में अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन जो ओल्ड एग्जिस्टिंग स्लाइम मोल्ड से, जो जिंदा स्लाइम मोल्ड से अभी वहां पर जो रह रहे हैं अभी, वो अचानक से एग्रीगेशन करने लग जाते हैं, एक्युमुलेट होने लग जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब एक ध्यान रखना यहाँ पर, अभी हम इसको प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, तो ये प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बोल रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स का।
जो फेवरेबल कंडीशन में बनता है, ओके, फेवरेबल कंडीशन में बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है उसके ठीक पहले बन जाता है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है, ठीक है। लेकिन हम प्रोटोजोअंस पढ़ेंगे कल, तो प्रोटोजोअंस में हम पढ़ेंगे कि वहां पर प्रोटोजोअंस में प्लाज्मोडियम एक मेंबर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, वो प्रोटोजोअन है, एक मेंबर, एक लिविंग मेंबर है, ओके। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स में जब हम प्लाज्मोडियम कहेंगे तो मतलब फेवरेबल कंडीशन खत्म होने के पहले, फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन हो जाता है स्लाइम मोल्ड्स का, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट टू फॉर्म एग्रीगेट, ओके, तो ये एक साथ जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम, स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कह रहे हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बन जाएगा वहां पर। अब ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाएगी तब ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, ओके। तो इसके पहले हमने कहा कि प्लाज्मोडियम बना है अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होने के पहले, ओके। विच लेटर फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लग जाता है। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब फंगस या फंगस लाइक स्ट्रक्चर्स में मिलने वाले ऐसे स्ट्रक्चर्स जो स्पोर फॉर्म करते हैं या स्पोर बेयर करते हैं, जिनके ऊपर स्पोर रहेंगे या जो स्पोर बनाएंगे, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर और स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंगस और फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, लेकिन फ्रूटिंग बॉडीज भी अभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आने के पहले बनी है, ओके। जैसे ही अब फेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब अनफेवरेबल कंडीशन आ चुकी है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस, तो सभी फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेती है, ओके। स्पोर्स क्या होते हैं, तो स्पोर्स ऐसे डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डॉर्मेंट मतलब कि जो जर्मिनेट करके नए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनएक्टिव फेज होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ में सेल वॉल भी हो सकती है, तो यहाँ पर सेल वॉल होती है, तो प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर कवर्ड बाय थिक सेल वॉल, ओके। तो जो थिक सेल वॉल से कवर्ड होते हैं ऐसे स्पोर्स बनाती है फ्रूटिंग बॉडीज। अब थिक सेल वॉल, तो सेल वॉल बनती किससे है, तो फंगस में सेल वॉल किससे बनती है बेटा, फंगस में सेल वॉल बनती है काइटिन से, इसलिए यहां पर भी फंगस
फंगस लाइक स्ट्रक्चर है ये स्लाइम मोल्ड्स, इसलिए इनमें भी सेल वॉल काइटिन से बनेगी, इसलिए काइटिनस मतलब काइटिन लाइक स्ट्रक्चर, तो काइटिन से बनती है इसलिए काइटिनस सेल वॉल से ये स्पोर्स कवर्ड रहते हैं। और काइटिनस सेल वॉल से कवर्ड है तो थिक सेल वॉल है, तो इसके कारण ये क्या कर पाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को रजिस्ट कर पाते हैं। विच आर कवर्ड बाय थिक सेल वॉल, जो काइटिनस होगी ड्यू टू या एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ड्यू टू दिस दे रजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, इस सेल वॉल के कारण वो अनफेवरेबल कंडीशन को रजिस्ट कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन कभी ना कभी तो खत्म होगी, तो वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी, और फेवरेबल कंडीशन में तो हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट आएगा, तो अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले इनको अलग अलग हो जाना चाहिए। अभी वो फ्रूटिंग बॉडीज के साथ में एसोसिएटेड है और प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर के अंदर ही बंद है, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम बस्ट होता है। ओके, प्लाज्मोडियम बस्ट होगा, और प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बस्ट होने के कारण वहां पर फ्रूटिंग बॉडीज से जो स्पोर्स है वो स्पोर इंडिविजुअल स्पोर्स एयर करंट के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगे सभी जगह पर। ओके, तो एयर करंट के थ्रू स्पोर्स स्प्रेड हो जाएंगे और हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ही पड़े रहेंगे, तो वहां से अलग अलग स्पोर जर्मिनेट होकर के नया स्लाइम मोल्ड बनाएंगे। ड्यू टू दिस दे रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन या आफ्टर रिटर्निंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, आफ्टर रिटर्निंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर, प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बस फूटेगा एंड स्पोर्स इंडिविजुअल स्पोर्स स्प्रेड थ्रू एयर करंट, एयर करंट की हेल्प से हवा की हद से वो सभी इंडिविजुअल स्पोर्स बिखर जाएंगे आसपास, और उस हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में फिर वो जर्मिनेट होंगे। नाउ स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू स्लाइम मोल्ड्स, तरह से वो नए स्लाइम मोड्स बना लेते हैं। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीन बहुत ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है बेटा, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। समझ तो आ गया ना सबको, किसी को डाउट है स्लाइम मोल्ड के ऊपर? किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लो, मैं स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ आप लोगों को। चेक कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है, मुझे तो प्रॉपर लग रहा है, आप चेक कर लो, पूरा बराबर दिख रहा है।
ओके बेटा, किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा। कल प्रोटोजोअन प्रोटीज के बारे में पढ़ेंगे, और कल ये चैप्टर आप कल किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा आपका, और किंगडम फंजाई फिर हम स्टार्ट कर देंगे कल से ही। ओके बाय, ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। बाय सर, ऐसा बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।